नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडियन स्पिरिचुअल में। दोस्तों, इन पौधों को लगाने से चमक सकता है आपका भाग्य। 9 ग्रह होते हैं शांत, ग्रहों की शांति के लिए लाभकारी है ये पौधे। आइए जानते हैं इनके बारे में। आपने कभी सोचा है कि घर के बड़े बुजुर्ग घर की चारों दिशाओं में कोई ना कोई पौधा क्यों लगाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पौधों में ग्रह दिशाओं को ठीक करने की क्षमता होती है, इसलिए बड़े बुजुर्ग घर की चारों दिशाओं में अलग अलग पौधे लगाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ग्रहों की शांति के लिए घर में लगाए जाने वाले इन पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति दोष हो तो घर के पिछले हिस्से में केले का पेड़ लगाएं। यह पौधा बृहस्पति देवता का स्वरूप होता है, इसलिए केले का पौधा लगाने से कुंडली में व्याप्त बृहस्पति का दोष भी समाप्त हो जाता है, साथ ही धन संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो घर के बीचों बीच आंगन में हरसिंगार का पौधा लगाना चाहिए। इस पौधे को घर के बीचों बीच या पिछले हिस्से में लगाने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है, लेकिन इसकी देखभाल में लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इस पौधे के सूख जाने से मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर कुंडली में शुक्र दोष हो तो घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान रहे, जिनका शुक्र ग्रह कमजोर है उन्हें नियमित रूप से शाम को तुलसी के आगे दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अगर कुंडली में राहु केतु का दोष हो तो घर में अनार का पौधा लगाना चाहिए, इससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के सामने अनार का पेड़ लगाना शुभता लेकर आता है। इसके अलावा अगर नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को अनार के फूल को शहद में डुबोकर भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो इससे बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से दूर हो जाती है। अगर कुंडली में शनि दोष हो तो घर में शमी का पेड़ लगाना चाहिए। मान्यता है कि शमी में सभी देवताओं का वास होता है और इस पेड़ का संबंध शनि महाराज से भी है, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पौधे को घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से शमी के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और बिगड़ते कार्य भी बनने लगते हैं। अगर कुंडली में बुध, शनि और बृहस्पति ग्रह का दोष हो तो पीपल का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि पीपल की नियमित पूजा करने, जल चढ़ाने और परिक्रमा करने से संतान दोष नष्ट हो जाता है और बीमारियों से निजात मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि पीपल का बोनसाई पेड़ घर के पिछले हिस्से में लगाएं तो यह उन्नति एवं लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक होता है। अगर कुंडली में सूर्य और मंगल का दोष हो तो घर में गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए। यह पौधा सूर्य और मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। मान्यता है कि मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पवन सूत को गुड़हल का फूल अर्पित करें, साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें गुड़हल का फूल डालकर अर्घ दे। ऐसा करने से जातक को अत्यंत लाभ होता है और वास्तु दोष भी दूर होता है। गुड़हल का पौधा घर में कहीं भी लगा सकते हैं, यह अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपनी निजी ज़िंदगी में इन उपायों का प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।